अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हद में बनता हाईराइज बिल्डिंगों असलामत है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हद में अत्यारे 12 फायर स्टेशन कार्यरत है, जयरे अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विस्तार 500 चौरस किलोमीटर है। आम अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सत्तावाड़ाओं शहर फायर ब्रिगेड वाटे क्यारे नवी सीस्टम खरीदी करशे, आ अंगे अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विरुद्ध पक्ष नेता सज्जाद खान पठाणे प्रतिक्रिया आपी छे। के राज में अहमदाबाद शहर में बन रही हाई राइज बिल्डिंग असलामत है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फायर विभाग के पास 2 स्नॉर्केल मशीन है। एक स्नॉर्केल मशीन 82 मीटर का है और दूसरा स्नॉर्केल मशीन 54 मीटर का है। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 100 मीटर की बिल्डिंगों को परमिशन दे रहा है, यानी कि 100 मीटर से बड़ी इमारतें बनाने की परमिशन दे रहा है। ऐसी कुल मिलाकर 15 बिल्डिंगों को उन्होंने परमिशन दी गई है, जिसमें 145 मीटर की भी बिल्डिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आग लगेगी तो ऐसी बिल्डिंगों में आग बुझाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी, जिसका बजट 9,000 करोड़ रुपए है, उनके पास ऐसी बड़ी बिल्डिंगों की आग बुझाने के लिए साधन नहीं है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस वर्ष के बजट में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि बड़ा स्नॉर्केल मशीन जो कि 100 मीटर से ज्यादा की भी बिल्डिंग में आग लगे तो उसे बुझाया जाए, ऐसा स्नॉर्केल मशीन को खरीदा जाएगा। लेकिन इस वर्ष खत्म होने में, वार्षिक बजट खत्म होने में 3 महीने बचे हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक स्नॉर्केल मशीन नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई हाई राइज बिल्डिंग में यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है और यदि कोई जान हानि होती है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फायर